नमस्कार सिटी न्यूज़ 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मधु गुप्ता। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अमन सिंह, जो कि हरियाणा पुलिस से मौजूद है। स्टेट क्राइम ब्रांच जो टीम होती है वो हमारे साथ मौजूद है, जो कि इन छोटे बच्चों को पकड़ती है, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, रोड पर, जो कि मजबूर है भीख मांगने से, चाहे आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये उन छोटे बच्चों को रेस्क्यू करती है और इनको अपने साथ लेके जा रही है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन छोटे बच्चों को ये कहाँ लेके जा रही है, इनका क्या होगा। सर, आप इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो इन बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि रोड पर भीख मांगते हैं, इनकी शिक्षा का जो है क्या होगा आगे, जो इनके भविष्य उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो छोटे बच्चे होते हैं वो भीख मांगते हैं। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो छोटे बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, सर क्या कहाँ लेके जाएंगे मेरे बच्चों को? मेरा नाम एस आई अमर सिंह है और हमारी स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम है। हमारी टीम बच्चों के लिए काम करती है, जो छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं काम करते हैं, उन बच्चों के लिए हमारी टीम काम करती है। तो सर आप इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? इन बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, हम बच्चों को वहाँ पेश करेंगे और जो एक एज ए मजिस्ट्रेट काम करते हैं बच्चों के लिए, जो आदेश करते हैं फिर हम वो फॉलोअप करते हैं। कितनी उम्र के बच्चों को जो आप अपने साथ लेके जाते हैं? ये 18 साल से नीचे तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है। तो वहाँ पर इनकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है? वहाँ जैसा बच्चा, हर बच्चे की अलग नीड होती है, जिस बच्चे की जैसी नीड होती है उसके हिसाब से वो लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके हिसाब से ध्यान रखती है बच्चों का। तो आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? चार लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं। चार लोग हैं आप लोग? जी जी जी। और आप यहीं पे आपकी ड्यूटी लगती है? हाँ, फरीदाबाद में हमारी ड्यूटी है, जो हरियाणा सरकार ने हमारा स्टाफ बना रखा है, हम बच्चों के लिए काम करते हैं सब लोग। सर अगर कहीं और भी बच्चों को कोई तकलीफ हो तो फिर वो आपको कैसे कॉन्टेक्ट करें, उनका क्या होगा? 1098 एक टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का, वहाँ कॉल करके बता सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार। 1098 1098 इस पर संपर्क करते हैं तो फिर आप लोग उन छोटे बच्चों की हेल्प करते हैं। तो सर बहुत सारी जगह अभी भी जहाँ पर छोटे बच्चे ऐसे भीख मांग रहे होते हैं, तो आप बता सकते हो इस टोल फ्री नंबर पर, आप कॉल कर सकते हो भी जिस भी एरिया में, फरीदाबाद के लिए क्या नाम है, जिस भी एरिया में जो भी आदमी रहता हो वो इस नंबर पर कॉल करते, हमारी टीम पहुँचे। आपने आज तक मतलब कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है? मैडम एक्यूरेट डाटा तो क्या बताऊँ आपको, लेकिन हमारी टीम लगातार ही काम करती है, जो बच्चे भीख मांगते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं उनकी लगातार हमारी टीम काम करती है। तो देख सकते हैं कि बच्चे हैं जो कि इन्होंने इन बच्चों को रेस्क्यू किया है, काफ़ी सारे बच्चों की इन्होंने हेल्प करी है अभी तक। इन बच्चों को वहाँ पे जो भी इनकी स्टडी है वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। आगे की जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।